हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं सोयाबीन वेज बिरयानी। ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही ऑथेंटिक है, तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने पानी लिया है, पानी को मैंने बॉईल कर लिया है। अब हम इसमें 2 कप सोयाबीन डाल देंगे और इसे बॉईल होने देंगे। ये देखिए, ये बॉईल हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हमें यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल लेना है, इसमें हम 1 कटी हुई प्याज डाल देंगे और इसे ब्राउन होने तक भून लेंगे। ये देखिए, ये फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे निकाल देंगे। इसे हमें प्लेट में निकाल लेना है। सेम तेल में हम 1 कटी हुई प्याज डालेंगे। मैंने इसे ऑमलेट कट किया है, आप इसे चॉप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। इसे भून लेंगे जिससे इसका कच्चापन निकल जाए। अब हम इसमें 1 कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। टमाटर डालने के बाद हम इसमें नमक डाल देंगे 1 टीस्पून, जिससे टमाटर जल्दी गल जाएगा। अब हमें इसमें कुछ पाउडर मसाले डालने हैं। सबसे पहले मैंने 1 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। इन सबको मिला देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। अब हमें यहाँ कुछ खड़े मसाले लेने हैं, बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, तेजपत्ता और बादियान फूल। अब हम बिरयानी को हेल्दी बनाने के लिए कुछ सब्जियाँ इस्तेमाल करेंगे। इसमें मैंने गाजर ली है, ये ऑरेंज गाजर है। इसके बाद मैंने लाल गाजर ली है, शिमला मिर्च लिया है, ताजी हरी मटर ली है। आप यहाँ पे फ्रोजन मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब्जियों को हमें 2 मिनट तक पकाना है लो फ्लेम पर। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच दही, इसे भी मिला देंगे। दही डालने के बाद हम इसमें सोयाबीन डाल देंगे, इसे मिला देंगे। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। सोयाबीन पक के तैयार हो चुकी है। अब हमें यहाँ पानी लेना है, इसमें हम तेज पत्ता और 1 टुकड़ा दालचीनी का और 1 बादियान फूल। इसमें हम चावल डाल देंगे, ये मैंने बासमती राइस लिया है। इसे मैंने थोड़ी देर पहले भिगो दिया था। अब हम चावल में बॉईल आने तक इसे पकाएंगे। ये देखिए, इसमें बॉईल आ चुकी है। हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और चावल को छान लेंगे। अब हम इसमें एक चावल की लेयर लगाएंगे, उसके ऊपर से सोयाबीन डाल देंगे। देखिए, मैंने सोयाबीन डाल दी है। अब हम इसे फैला देंगे। अब हम इसके ऊपर से 1 लेयर और चावल की लगाएंगे। इसे भी फैला देंगे। इसके ऊपर से हमें फ्राई किया हुआ प्याज डालना है। फूड कलर डालना है, यहाँ मैंने येलो और रेड फूड कलर लिया है। हम इसमें कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, इसका टेस्ट बढ़ जाता है। अब हमें 1 तवा लेना है और इस पर हम बिरयानी को रख देंगे। ये देखिए, मैंने इसे रख दिया है। अब हम इसे दम होने देंगे थोड़ी देर के लिए। इसके ऊपर से हमें यहाँ पर घी डालना है। तो ये देखिए, बिरयानी पक के तैयार हो चुकी है। अब हम इसे मिला देंगे।
इसे हमें इस तरीके से मिलाना है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। ये देखिए बिरयानी कितनी खिली खिली भी बनी है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिए, ये आपके घर में सभी को बहुत पसंद आने वाली है। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए।